कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, जिसमें आप सभी साधक भाइयों का स्वागत। और आज हम आपको एक जानकारी देंगे, आप नवरात्रि के इस अवसर पर आप नवार मंत्र के माध्यम से किसी भी निगेटिव एनर्जी को आप कैसे हटाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो ओझा लोग होते हैं वो झाड़ फूँक करते रहते हैं, और उनमें साबर मंत्रों का प्रयोग ज़्यादातर वो करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आप नरवान मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करें। आपके जो ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे आप आम भाषा में लोग भूत प्रेत का नाम देते रहते हैं, या किसी ने ओझा तांत्रिक ने बाबा ने कुछ करके खिला रखा है, चाहे वो मसानी विद्या के माध्यम से हो, चाहे वो किसी सात्विक विद्या के माध्यम से हो, किसी ने भी कोई चीज़ अवमंत्रित करके खिला रखी हो, चाहे कैसा भी वह प्रयोग हो, आप नरवान मंत्र के माध्यम से उसे आप निष्क्रिय कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आगे आने वाली जो सप्तमी है, नवरात्र की जो सप्तमी है, सप्तमी वाले दिन आपको देवी के भोग के लिए एक जायफल रखना है, एक नींबू रखना है, और एक जोड़ा लौंग, थोड़ा सा कापूर और 5 बतासे। आपको इतनी सामग्री सामने रख कर के आपको एक माला निर्वाण मंत्र की जाप करनी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आप जाप करेंगे, जाप करने के बाद आप जायफल पे फूंक मारेंगे, यानी कि आप जायफल को अभिमंत्रित करने के बाद आप हवन कुंड में जला देंगे। ऐसे ही आप नींबू को अभिमंत्रित करेंगे, उसे काट देंगे, और लौंग अभिमंत्रित करेंगे, नींबू पर रख करके, कापूर लौंग रख करके आप जला देंगे। और जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग आपको करना है उसका नाम लेना है, उसके बाद आप उसी जो हवन कुंड में आपने आहुतियाँ दी हैं उसी में आपको थोड़ी सी राख ले लेनी है, और लेने के बाद उसी राख को आप अभिमंत्रित करके जो पीड़ित व्यक्ति है उसे आप दे सकते हैं। अगर आप राख नहीं दे सकते हैं तो आप इसके लिए आप जल भी रख सकते हैं, आप आहुति देते जाएं, पास में थोड़ा घी रख लें, हवन सामग्री भी रख सकते हैं, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह प्रयोग सिर्फ सप्तमी के दिन किया जाएगा, इस चीज़ को आप नोटिस रखें, सप्तमी के दिन। और आप इस प्रयोग को करने के बाद अगर आप जल अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो आप जल को भी अभिमंत्रित कर सकते हैं और उस जल को भी पिला सकते हैं। तो आप इस प्रयोग को आप सप्तमी के दिन करेंगे, और सप्तमी का जो माँ का जो स्वरूप होता है वह कालरात्रि स्वरूप होता है, महाकाली का जो स्वरूप होता है। तो आप इसके जब आवाहन करेंगे इस मंत्र के माध्यम से, तो महाकाली का जो स्वरूप है उस स्वरूप के हिसाब से आपकी एनर्जी डेवलप होगी, चलेगी। और आप कैसा भी प्रयोग हो, चाहे वो मसान से रिलेटेड हो, चाहे मसानी से हो, चाहे किसी जिन जिन्नात की एनर्जी है जिसे किसी ने पढ़ के खिला रखा है, चाहे उस पर वशीकरण का प्रयोग किसी ने कर रखा है, चाहे वो किसी मसानी विद्या के माध्यम से कर रखा है, आप देखेंगे वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, और जो पीड़ित व्यक्ति है, रोगी है, वह स्वस्थ हो जाएगा, और पहले दिन से ही उसको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अगर लंबे समय से पीड़ित व्यक्ति है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर जल्दी से पीड़ित है तो ये मान के चलिए प्रयोग करने के साथ ही तत्काल आपको लाभ दिखना चालू हो जाएगा। ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए हमने समय निकाल के देने का प्रयास किया, तो आप लोग इस प्रयोग को कीजिए। और यह प्रयोग मात्र सप्तमी सप्तमी जो सप्तमी होती है कालरात्रि की जो पूजा होती उसी दिन किया जाएगा, इस चीज़ को आप बारीकी से समझ ले, अन्य दिन नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।